नाउ वी डू सिंपल पास टेंस. इसके पॉजिटिव फॉर्म्स क्या है? अ रेगुलर पास फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड्स इन ईडी. मीनिंग ये जो टेंस होता है इसमें जो वर्ब होती है वो अगर रेगुलर वर्ब है तो वो ईडी में ही एंड होगा. जैसे इट हैपेंड वेरी क्विकली, तो हैपन आपका वर्ब है वो ईडी में एंड हुआ, हैपेंड वेरी क्विकली. द वैन क्रैश इन टू द कार, सो क्रैश्ड में ईडी आपका है क्रैश में, तो वो आपका रेगुलर वर्ब हो गया. द वैन क्रैश इन टू द कार. Some verbs have an irregular past forms. What are irregular past forms? We'll see some examples. I won the game. I won the game. में क्या हो रहा है? Won is your irregular past form. Win, won, won. Win is V1, V2 is won, and V3 is won. So V2 आपका यहाँ पे use होगा. Second form of verb. We took some photos. Take, took, taken. V1 is take, V2 is took, and V3 is taken. So we took some photos. Second form. हमेशा आप याद रखिए इसमें आपको सेकेंड फॉर्म यूज होता है. द पास्ट टेंस इज द सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्संस एक्सेप्ट इन द पास्ट टेंस ऑफ बी. इसका मतलब ये है कि ये जो आपका ईडी है पास्ट टेंस वो सब पर्सन के साथ यूज होगा, बट अगर वर्ब आपका बी फॉर्म ऑफ वर्ब है. बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? ये आपका बी फॉर्म ऑफ वर्ब. बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? Is, am, are, was, were, and been. So, for example, I के साथ मैंने लगाया was. I was ill last week. He अगर होगा तो भी was लगेगा. He was ill last week. लेकिन अगर you आ जाएगा तो you were ill last week. और they लगेगा तो they were ill last week. So, आपका जो वर्ब है was या were वो चेंज हो रहा है पर्सन के अकॉर्डिंग. तो ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है उसी में होता है. अदरवाइज इन अदर केसेस जो अदर फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका अदर वर्ब्स होते हैं उसमें आपका वो पर्सन डिपेंडेंट नहीं रहता.